मेरा एडा लम्मा साह नहीं अब्बा, मैं कड़ा बड़ा बाजा बजाउंदी। इहदा मेरा इश्क उदो शुरू हो गया सी जदों मैनु पहली वारी साबण लैके दित्ता सी। छक्का भी नहीं वजदा है, की करदे ने? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਰਿਛ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਰਿਛ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਛ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਦਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗੱਤੇ ਦਾ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਚਾ ਲੈ ਲੈ ਛੱਡ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਤੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। दुपट्टा नहीं लैन दिंदी क्योंकि इत्थे दरमियान च बाल चढ़ होया। सस्सीए की गल है अब्बा, कित्थे सां तू? अब्बा मैं मरबे गई हुई सां। झूठ बोल रही आ। शहजादा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। फिर तेरा रिश्ता लैन नहीं आ रहा, तेनू कतल करनी आ रहा। सारी शला अब्बा, इहो जे नैश गल्लां नहीं करी दियां। ये कौन है? मैं वो शहजादा होर सी, आर फ्लोर के पिछे डांसर नहीं गए। ये कौन ने उस्ताद जी? ये मेरे ख्याल नसीबो लाल दे मामे ने, तो पहली बारी लाहौर आए ने। अब्बा जी, यही गल करो, यही तो शहजादा जेड़ा मैनू पसंद आया। ओ हाथ धोते तो नहीं? इधर फला दे मैनू अपना हाथ। चाचा जी, मैं तुहाडे घर दा हीरा लैन आया। ये प्यार अज दा नहीं, ये अजलां दा प्यार है। अजलां दा प्यार? इहदा मेरा इश्क उदों शुरू हो गया सी जदों मैनू पहली बारी साबण लैके दित्ता सी। नहीं आ मुड़िया, साढ़े धोबी खानदान में कुछ असूल ने। जे तू सस्सी का विआह करना है तो कुछ देर रह के तेनों इतने लोगों के मैले कपड़े धोने पैणगे। छक्का भी नहीं वजदा है, की करदे ने? असल में तो सस्सी भंभोर के राजा की बेटी थी। जब वो पैदा हुई तो एक हिंदू ज्योतिषी ने उनके बाप को कहा कि आपके लिए ये लड़की मनहूस साबित होगी। और उस जमाने में क्योंकि ज्योतिषियों की बातों पर लोग बहुत ज्यादा एतबार भी करते थे और अक्सर अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर भी कर दिया करते थे। और जब ये बात सस्सी की माँ को पता चली तो उसने अपनी बेटी को बचाने की खातिर लकड़ी के एक संदूक में बंद करके दरियाए सिंध में बहा दिया। और यूं एक धोबी जो दरियाए सिंध के किनारे बैठा कपड़े धो रहा था, उसने जब ये संदूक देखा तो उसने ये संदूक खोला और उसमें उसको एक प्यारी सी लड़की नजर आई। और यूं वो उस लड़की को अपने घर लेकर आया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बैठ सस्सी, को प्यार दिए गल्लां ही कर लिए। ये सस्सी की कौन सी अदा आपको बहुत अच्छी लगी? असल ते बिना जी ठहरा दी हवावां चलियां। अच्छा, जी वाव रौला नहीं फिरदा है टोरनेडो। हां, सस्सी ओदे विच सी, धुआं ही धुआं निकल रिया सी उत्थे। अच्छा। हां जी, अगे जाके मैं देखिया ये उत्थे सीढ़ ला के बैठा सी। ये आपके भाई है? ए मेरे भरा ने, टिंगू। अच्छा, लंबू। हां, ओ छोटू। पुन्नू वाकई तेरे भरा नहीं है, किला द्रावड़ दे चौकीदार ने। माफी चाहना है, सॉरी, टाइमिंग नहीं रली उन्होंने। ओए मुड़िया पुन्नू, ये रिश्ता नहीं होना। इतने बड़े हुक्मरान का बेटा है, रिश्ता लेने आया कर देना शादी। अब्बा जी, ए मैं तुहाडे पैरे पैनी हां, मेरा रिश्ता पुन्नू दे नाल कर दियो। नहीं सस्सी, ओ केड़ा एपिसोड होगा जिस तेरा दिमाग खुलेगा? ओडे फड़ के ते पैरां नाल कहण डई। नहीं सस्सी, मैं तेन इन्हों परदेसिया ना नहीं टोर सकता। अब्बा यह जुलम ना करी। ये कैसे ऑर्डर्स पास हो रहे? भेज दे अब्बा, तेरी धी भुखी नहीं मरन लगी। लगता है ग्रीस सीधी इंगल ना नहीं निकलनी। बाबा ले आओ। चल चाचा उठ, उठ चल। मेरे अब्बे वाल कोई कदम ना बधावे। ओए अगे लग ओए। वैसे बाबा मैनु प्यार ना करना, इनू ले जाना ते ले जाओ। ऐसे आ चाचा, मेरा बुड्ढा बाप है। जरा आ, इधर आ। नहीं तो आपको पुन्नू में क्या खामी नजर आ रही है? दे दे अपनी बेटी का रिश्ता। पुन्नू च कोई खामी नजर नहीं आ रही। तो मैं उसका नसीब देख रहा हूं। पुन्नू ने सस्सी नहीं रखनी, नहीं रखनी। अब्बा मैनु अपने घर बसण का शौक है, मैं जे बसांगी जिवें सौण भादरों का मीं बसदा। हाय मेरी धी। सस्सी दे 2.5 लाख सुन के बोर नहीं होया तू?
चाचा जी गल पता की है दस मेरा पुत्र मैं कोई पुनू छनू नहीं है असल चाचा जी मेरे भरावान का बिजनेस है रिछने चाहते हैं मुंडे रिछने चाहते हैं हाँ जी इन्ह का रिछ दौड़ गया असि सानू वो चाहिए साढ़े सारे फंक्शन रुके हुए रिछना चाहे गली गली देखो ना तुम मेरा त्राह करता आके इन मामूली जी गल की खातर तुम अत्ते धोबी तो चौके इतने ले आए हो एडी भागा वाली है इतने पांच बारी रिछ रहे सोई है ये फस्ट आई है सानू इसलिए भी चाहिए कि जो मजमान उठता नहीं गा ना उसने खबरे होर तमाशा होना है कि उत्थे बोर बोर गल्लां करेगी सारा मजमा भी टुट जाएगा और नहीं हो बुढ़िया ये मैं सस्सी तुहाडे नाल तोड़ दित्ती इस तरह तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा ना उठे गया तो तू समझ मैं कत्ल हो गया मेरी गद्दी ते बह गया यहाँ तो कोई और ही कहानी चल रही है मगर हकीकत में यह हुआ था कि जब पुनो ने सस्सी को पहली बार देखा था तो उसे सस्सी से मोहब्बत हो गई थी वो सस्सी का रिश्ता लेकर सस्सी के वालिद के पास आया तो सस्सी के बाप ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे कपड़े धो के दिखाओ पुनो ने यह शर्त मान ली और सस्सी के लिए उसने कपड़े धोकर दिखाए इस तरह सस्सी और पुनो की शादी हो गई जब पुन्नू के भाइयों को पता चला कि हमारे भाई ने किसी धोबन की बेटी से शादी कर ली है तो वो दौड़े दौड़े आए और पुन्नू से कहा कि हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाना चाहते हैं लिहाजा रात को जब वो इकट्ठे हुए उन्होंने पुन्नू को मशरूब पिलाया और मशरूब में उन्होंने कोई नशावर चीज़ भी मिला दी थी यूं वो पुन्नू को बेहोश करके ऊँट पर लाद कर वापस मकरान लेकर गए और जब सस्सी को पता चला कि पुन्नू के भाई उसे यहाँ से ले जा चुके हैं तो सस्सी दौड़ते हुए सहरा में निकल गई और कहानियों में लिखा है कि दोनों की मौत सहरा में एक दूसरे की तलाश में हुई ओए मुड़ियो ये जो तुसी कह रहे हो ये नहीं जे मैं होण देना सस्सी भी इत्थों जाएगी ओके चाचा जी इजाजत दियो मैं माफी चाहंदा चलो ओए मुड़ियो मैं नहीं जान देंगे अच्छा अपनी बांदरी उथे कर मैं नाल जावांगी पुन्नू मैनू कल्या छड़ के ना जावीं मैं मर जावांगी नहीं सस्सी तू इन्ना प्यार कर रही सू पुन्नू नाल ओ जदों साडा डीजल तेरे पैरां ही डुल गया ते असीं ढकण वाले कौन हुंदे आ ले जा पुत्र जान तो पहले सस्सी दा गिट्टा वेख ला बाद च वापस चाचा एडा मैला गिट्टा ये तो अज मैं वेख्या तेरी मेहरबानी वर्कशॉप दा कारीगर उठा ले उधर जान तो पहले सस्सी दा खुसा वेख ला चिट्टे रंग दा सी 15 मिनट बाद ए होया ही छड़ दे मैं नहीं मैं तेरे नाल जावांगी मेरा भरा नहीं लगदा छड़ ओए ते कोल छड़ाओ मैनू ओए वीरा तू जाने ते सस्सी असी चले आ ओ पुत्र ओ गत्ते दा तीर हुंदा है चाचा ले ले छड़ ना पुत्र तू ख्वाहिश कीती अल्लाह की कसम चाचा मैं कोई और चीज ले लगा पुत्र मैं सस्सी तेनू दीती चाचा जी वेख लो मेरा पजामा डिग जाना तेरा पजामा मैं फड़ लैना बस इनू ले जा सस्सी की गल है उठ मैं तेरे लस्सी मंगाई उठ लस्सी होवे ते भावें मक्खन होवे मेरा ते सारा खोया तू है